हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्नैप इन्फो। तो दोस्तों, आपको पता होगा पीएम कौशल विकास योजना 3.0 के अंतर्गत पूरे देश भर के अंदर 1 लाख पैरामेडिकल हेल्थ असिस्टेंट की भर्ती की जाएगी, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया था। तो फाइनली उसकी सारी डिटेल सामने आ गई है। यहाँ पे जो भी कोर्सेस है उसके लिए कैसे आपको अप्लाई करना होगा, किस कोर्स के लिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एज लिमिट क्या है, और यहाँ पे कौन कौन से स्टेट के अंदर ये वैकेंसी रिलीज की गई है, उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से ट्रेनिंग सेंटर हैं जहाँ पे आपकी बेसिक ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाएगी, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक छोटा सा रिमाइंडर है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे और आपको दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से ट्रेनिंग सेंटर है। तो दोस्तों, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम स्किल इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वेबसाइट के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलने वाली है, जो कि यहाँ पे पीएम कौशल विकास योजना 3.0 के अंतर्गत यहाँ पे 1 लाख हेल्थ असिस्टेंट की भर्ती होने वाली है, उसकी सारी जानकारी यहाँ पे आ चुकी है ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, यहाँ पे 6 तरह के कोर्सेज हैं जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो कोर्स दिया गया है वो है बेसिक केयर सपोर्ट, एडवांस केयर सपोर्ट, उसके अलावा यहाँ पे होम केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन सपोर्ट, मेडिकल केयर सपोर्ट। तो ये 6 तरह के कोर्सेज हैं जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है। तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपके लिए यहाँ पे कौन सा कोर्स सूटेबल रहने वाला है। आप जिस भी कोर्स के लिए एलिजिबल हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो आपको इस ट्रेनिंग के बारे में, प्रोग्राम के बारे में कुछ यहाँ पे डिटेल दी गई है, जिससे आप चाहें तो इसे रीड कर सकते हैं या आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसमें जो यहाँ पे मेनली बात बताया गया वो हेल्थ सिस्टम के बारे में बताया गया, इस ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है, और कोविड की थर्ड वेव से लड़ने के लिए यहाँ पे क्या क्या तैयारियाँ की जा रही है इसके बारे में बताया गया है। आपको सिंपली स्क्रॉल करके और नीचे आना होगा। नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हेल्थ केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम कोर्स एंड एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे 6 तरह के प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, 6 तरह के कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि किस कोर्स के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पे पहला कोर्स है वो है बेसिक केयर सपोर्ट का। यहाँ पर आपकी 195 घंटे की ट्रेनिंग करवाई जाएगी और इसके लिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा गया है। तो अगर आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो यहाँ पे कोर्स है वो है होम केयर सपोर्ट का, और ये भी 10th पास लोगों के लिए है और इसमें भी आपकी 195 घंटे की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। थर्ड जो कोर्स है वो है एडवांस केयर सपोर्ट का, और इसमें जो आपकी ट्रेनिंग है 210 घंटे की होने वाली है और इसके लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए। तो इन तीनों कोर्स के लिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिर्फ 10th पास मांगा गया है। नेक्स्ट जो यहाँ पर कोर्स है वो है सैंपल कलेक्शन सपोर्ट का, और यहाँ पर आपकी जो ट्रेनिंग है 211 घंटे की करवाई जाएगी और ये थोड़ा अपग्रेड का कोर्स है, इसीलिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th पास मांगा गया है विद साइंस। तो अगर आपने 12वीं पास कर रखा है साइंस स्ट्रीम से तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो यहाँ पे कोर्स है वो है इमरजेंसी केयर सपोर्ट का, और यहाँ पे 144 घंटे की ट्रेनिंग आपकी करवाई जाएगी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे 12th पास मांगा गया है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट यहाँ पर पोस्ट है मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग जो है 312 घंटे की करवाई जाएगी और इसमें आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th पास मांगे विद ITI विद 3 to 5 year एक्सपीरियंस और डिप्लोमा इन टेक्निकल सब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर या एनी अदर रिलेटेड फील्ड, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपकी ट्रेनिंग के यहाँ पर ड्यूरेशन दिया गया है। और चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी और क्या क्या फैसिलिटीज कोर्स के अंदर आपको दी जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, तो यहाँ पे जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे उनकी यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाएगी जो कि 21 दिन की होने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे आपकी अप स्किलिंग ट्रेनिंग करवाई जाएगी जो कि 7 दिन की होने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे जब आपकी 21 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको यहाँ पे ऑन ड्यूटी रहते हुए आपकी यहाँ पे 3 महीने ट्रेनिंग चलने वाली है, और इस ट्रेनिंग के दौरान आपको यहाँ पे कुछ पेमेंट भी दी जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी फैसिलिटी दी जाएगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई गई हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं अगर आप इस प्रोग्राम को हेल्ड करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी ट्रेनिंग चार्ज नहीं चार्ज किया जाएगा, ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। उसके अलावा यहाँ आपकी 3 महीने तक ऑन जॉब ट्रेनिंग करवाई जाएगी जिसके अंदर आपको पे आउट भी किया जाएगा। उसके अलावा आप 3 महीने के जैसे आप यहाँ पर कोर्स कम्प्लीट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर नेशनल रिकॉग्नाइज स्किल इंडिया की ओर से एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको 2 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है इस कोर्स के अंदर। उसके अलावा बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर के अंदर बोर्डिंग एंड लोडिंग फैसिलिटीज़ भी दी जाएगी जिसके माध्यम से आपको ट्रेनिंग के दौरान पिकअप और ड्रॉप किया जाएगा। उसके अलावा अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं और ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको आने वाले आपके करियर में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी किसी भी जॉब सेक्टर के अंदर। तो ये यहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बेसिक ट्रेनिंग लेते हुए
यहाँ पे फोटो ली गई है जो कि यहाँ पे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर की है, और इसी तरह से आपकी भी ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी। और चलिए हम बात कर लेते हैं आपको अपना ट्रेनिंग सेंटर कैसे फाइंड आउट करना है, कहाँ पे आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपना ट्रेनिंग सेंटर फाइंड आउट करने के लिए तीन ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं सर्च बाय स्टेट, सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट या सर्च बाय जॉब रोल। तो आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना ट्रेनिंग सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको सिंपली इसे स्टेट वाले ऑप्शन पर ही रहने देना है अगर आपको डिस्ट्रिक्ट या जॉब रोल से सर्च नहीं करना है। तो उसके बाद से आपको सिंपली सेलेक्ट स्टेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस भी यहाँ पर स्टेट के अंदर इस पोस्ट की वैकेंसी रिलीज की गई है उन सभी स्टेट के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका मेनली यहाँ पर जो स्टेट है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल, इन सभी स्टेट के अंदर यहाँ पे इस पोस्ट की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, पोस्ट की वैकेंसी रिलीज की गई है। तो मैं यहाँ पे आपको दिल्ली स्टेट सेलेक्ट करके दिखाने वाला हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। सिंपली हम दिल्ली वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली के अंदर जितने भी यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर हैं उन सभी के नाम यहाँ पे आ चुके हैं। उसके अलावा इस ट्रेनिंग सेंटर का नाम, ट्रेनिंग पार्टनर आईडी, जॉब रोल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे किस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर कितने सीट अलॉट हैं, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके देख सकते हैं आपके नियर बाय में जो भी ट्रेनिंग सेंटर है उस ट्रेनिंग सेंटर में आपको एनरोल करना होगा और अपनी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद से आपकी यहाँ पे पोस्टिंग की जाएगी। और अपने ट्रेनिंग सेंटर को कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, जो भी आपके घर के नियर बाय में ट्रेनिंग सेंटर है उनके नाम को आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए प्रेस एंड होल्ड और सेलेक्ट ऑल करना होगा और आपको यहाँ पे सिंपली वेब सर्च पे क्लिक करना होगा। वेब सर्च पे ऐसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस ट्रेनिंग सेंटर की सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपको कॉल करने का, चैटिंग करने का डायरेक्शन और इनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। और कॉल और चैटिंग के माध्यम से आप इसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर पर भी ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, क्या प्रोसेस रहने वाले आगे का। तो ये जानकारी आपको ट्रेनिंग सेंटर से मिलने वाली है। तो आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। तो ये प्रोसेस रहने वाला है जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करने का। इसके अलावा अगर आप कमेंट में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम मिलते हैं कैसे वीडियो साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।